अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू गाइस। अच्छा, मार्केट के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट एक तो आई है, और यहाँ पे आज मैं बात करूँगा विंटर सीजन के हवाले से कि बिटकॉइन का विंटर सीजन क्या होता है और इसमें आप लोगों ने किस तरह से चलना है और क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है और ऑल ओवर द मार्केट में आप लोग कैसे प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। लास्ट मैंने जो वीकेंड का स्टार्ट किया आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की थी, अगर मैं इसको यहाँ पे वीक की कैंडल ओपन करके दिखाऊँ तो अभी तक स्पोर्ट जोन के अंदर ही है, ठीक है। नेक्स्ट वीक का स्टार्ट भी ले चुका है, नेक्स्ट वीक का जो मैं प्रेडिक्ट कर रहा था, मैं इस लाइन से ये जो वाली लाइन ड्रा की हुई है इससे मैं ऊपर प्रेडिक्ट कर रहा था, लेकिन उसके नीचे क्लोजिंग हुई है और उसके बाद ये जो ट्रेंड लाइन जा रही है इससे भी मुझे थोड़ी बहुत नीचे क्लोजिंग नज़र आती है। अगर इस वीक के अंदर, ठीक है, इस वीक के अंदर मुझे कोई ज़्यादा वॉल्यूम नज़र नहीं आ रहा, मे बी यहीं तक ऊपर नीचे थोड़ा बहुत सफ़र कर सकता है, इससे ज़्यादा अप्स एंड डाउन नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे मे बी डॉज बना के ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। अगर यहीं से इसने इसको ब्रेकआउट दे दिया तो फिर आपके पास नेक्स्ट स्पोर्ट्स जोन आपका ये बन सकता है, जो कि 30K भी हो सकता है, इजिली 30K तक BTC देखने को मिल सकता है अगर इसको ब्रेकआउट देता है। लेकिन अभी यहाँ पे लोग फिर पैनिक का शिकार हैं, ठीक है, लोग यहाँ पे टोटल इमोशनल ट्रेड ही कर रहे हैं। मैं यहाँ पे चेकआउट करवा दूँ आप लोगों को, ये हमारे पास वन डे का है, ठीक है, यहाँ से लेके इसको बायर यहाँ तक लेके सेलर ने, फिर यहाँ पे ले बायर यहाँ तक लेके गए सेलर, फिर यहाँ पे ले बायर यहाँ पे ले गए सेलर, फिर यहाँ पे लेके दोबारा से फिर बियरिश यहाँ पे फॉर्म हो गई, ठीक है। और यहाँ पे अगर बियरिश फॉर्म हुई तो प्रोफेशनल ट्रेडर ने इसको मार देने, थोड़ा बहुत और नीचे ले आना है। अब हम जो बैठे ना, जो लोग स्पॉट के अंदर बैठे हैं, जो लोग लॉन्ग टर्म इसमें से अर्निंग करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन ये या तो खामोशी से बैठ जाएं बिल्कुल चुप होके, या फिर यहाँ पे थोड़ा सा पोर्टफोलियो अपना साइड पे रखें जिसके साथ वो स्कैल्पिंग करके अपने डेली वेजेस पे कुछ ना कुछ अर्न कर सके। दो स्ट्रेटजीज आप लोगों के लिए हो सकती हैं, या तीसरी स्ट्रेटजीज आप लोगों के लिए यहाँ पे स्टैकिंग की आ जाती है कि आप स्टैकिंग करें, स्टैकिंग करके आप लोग जितनी बियर मार्केट चले, चाहे फिर $10,000 पे BTC चला जाए ना, आप लोगों को टेंशन नहीं होगी, आपके कॉइन बढ़ रहे होंगे। जैसे ही यहाँ से रिवर्स लेगा नेक्स्ट आने वाले एक दो साल के अंदर, तो ऑटोमेटिकली आपका एक अच्छा प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। तो आपके लिए मैं यही प्रेडिक्ट करूँ कि अभी एक और चीज मैं आप लोगों को अगर दिखा पाऊं तो BTC ना जब भी अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट करते हैं उसके बाद मार्केट 1.5-2 साल के लिए विंटर सीजन में चली जाती है, बिल्कुल डाउन ट्रेंड में चली जाती है। तो उस चीज को भी आप लोगों ने मद्देनजर रखना है, और जब हमारे पास डाउन ट्रेंड चल रहा हो, जब तक इस ये जो ब्लैक लाइन मैंने आप लोगों से शो करवाई इसको ब्रेकआउट नहीं देता, तो बुलिश ट्रेंड हमारे पास नहीं है, आप लोग उस वक्त तक टेंशन का शिकार हैं, डेंजरस जोन के अंदर हैं। इसको ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर जाएगा तो फिर आप लोग यहां पे कंसीडर कर सकते हैं कि मार्केट यहां पे पॉजिटिव सेंस में जा सकती है। तो आप लोगों ने नजर जमा के रखना है मार्केट के ऊपर, और इसको लास्ट में मद्देनजर रखना है। इसको ब्रेकआउट दे तो वेल एंड गुड, अगर नहीं दे रहा यहाँ पे फिर बियर ट्रेंड फॉर्म हो रहा है जो कि नीचे मजीद लेके जा सकता है। यहाँ पे लोग सोच रहे कि थोड़ा सा ऊपर जाए हम सेल कर दें, थोड़ा सा ऊपर जाए हम सेल कर दें, और ये आपके पास इमोशनल ट्रेड होती है, इसे प्रोफेशनल ट्रेड नहीं बोलते। अपने माइंड को क्लियर कर लें, बिल्कुल टेंशन से निकल आए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मार्केट पैनिक हो चुकी है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। मार्केट जितना नीचे जाएगी ना, बाइंग अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही है। जिन लोगों के पास फंड पड़े हैं वो थोड़ा हल्का हल्का इसको बाय करते जाएं, डिफरेंट कॉइन्स को बाय करते जाएं, और जो मैं शेयर कर देता हूं ग्रुप के अंदर कोशिश करें उसको पार्ट्स में बाय किया करें। अगर इसको इस ट्रेंड को ब्रेकआउट दे दिया तो फिर आप लोग वेल एंड गुड है, आप लोग पॉजिटिव जोन के अंदर जा सकते हैं, फिर BTC में भी अपना नया ऑल टाइम हाई भी क्रिएट कर सकता है। जब तक इसको ब्रेकआउट नहीं देता BTC बियर है, इस चीज को समझ लें आप लोग, ठीक है। इसमें जितनी मर्जी स्पोर्ट लगा लेना, इसने हर स्पोर्ट को ब्रेकआउट कर देना, ठीक है। यहां पर जब BTC आई इसने किस स्पोर्ट को रिस्पेक्ट किया, किसी को भी नहीं किया, क्योंकि जब मार्केट बियर चल रही हो तो कोई भी स्पोर्ट नहीं रहती, ठीक है। वहां पे हम सिर्फ रेजिस्टेंस को देखते हैं और एंट्री का सोच के स्कैल्प करके प्रॉफिट कमा लेते हैं। आप लोग इस चीज को मद्देनजर रखें, इसके सेंटिमेंट्स को भी समझें, उसके साथ साथ आप ट्रेडिंग को टेक्निकली भी समझें। अब यहाँ पे कोई पैनिक न्यूज भी आ गई तो जो पैनिक ट्रेडर ऑलमोस्ट मार्केट से इस वक्त आउट हो चुके हैं। यहाँ पे होल्डिंग वाले बैठे हैं या वो मेरे और आपके जैसे फंसे बैठे हैं जिन्होंने यहाँ पे अब क्या करना है कोई समझ नहीं आ रहा, ठीक है। ये सारी अनसमझ वाली मार्केट है, इसमें किसी को उसको समझ नहीं आ रहा, ऊपर नीचे जा रही है मार्केट, कोई बेच रहा है दोबारा बाय कर लेते, बेच रहे दोबारा बाय कर रहे, वो लॉस रिकवर करने के चक्कर में, लॉस ऐसे रिकवर नहीं होते। अगर आप लोगों ने लॉस रिकवर करें तो आप लॉन्ग टर्म के लिए स्पॉट के अंदर बैठ जाए, आपका लॉस रिकवर हो जाएगा, या बेटर नॉलेज हासिल कर लें इस मार्केट का तो फिर आपका लॉस रिकवर होगा, ठीक है। विंटर सीजन का मतलब यह है कि अगर मार्केट यहां से डाउन ट्रेंड ही करती है और इसको ब्रेकआउट नहीं देती तो मार्केट हो सकता है कि आने वाले 6-7 महीने आपके साथ इसी तरह डाउन ट्रेंड में चले। हो सकता है अगर मार्केट यहां पे, अब यहां पे देखें ना क्लियरली आपको एक और हेड एंड शोल्डर नजर आ रहा है, मैं आपको बना के दिखा देता हूं, टेक्निकली मैं आपको बना के दिखा देता हूं, जस्ट वेट अ सेकंड, इलिट पेपर हमारे पास। यहां पे अगर हेड्स एंड शोल्डर का एक और पैटर्न जो मुझे नजर आ रहा है
इसको मैं सेटिंग में जाके चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते, एक्सटेंडेड हो गया, ये मेरे पास लाइन आ गई, ये चेंज कर लिया। तो आप लोग खुदारा मार्केट के सेंटीमेंट्स को समझो, अगर मार्केट में लॉन्ग टर्म बैठने के लिए आए हो ना, अभी जो प्रिडिक्शन है ये मैं एग्जैक्ट नहीं ड्रा कर रहा, अगर यहाँ से ब्रेकआउट आया है ना, ये यहाँ से ब्रेकआउट देगा तो ईजिली यहाँ तक आ सकता है, ईजिली आपका यहाँ तक आ सकता है इतना, अगर इसको प्रॉपरली फॉलो करता है। अगर इसको ब्रेकआउट दे देता है यहाँ पे, ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दे देता है, फिर मैं कंसिडर करूँगा बुलिश ट्रेंड है, और क्योंकि इस लास्ट सपोर्ट के ऊपर है तो यहाँ से इसको ऊपर जाना भी बनता है। अगर ऊपर नहीं गया तो आप लोगों ने दूसरा सिनेरियो माइंड में रखना है, तो आपने लॉन्ग टर्म के लिए बैठ जाना है, आपने स्टेकिंग की तरफ जाना है, आपने स्कैल्पिंग की तरफ जाना है। स्कैल्पिंग के लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए, जो लोग ट्रेडिंग सीखना चाह रहे हैं, टेक्निकल सीखना चाह रहे हैं, फॉरेक्स करना चाह रहे हैं, तो वो लोग कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स लाजमी कर दें, ताकि मैं आप लोगों के लिए एक सीरीज भी स्टार्ट कर दूं। और जो पर्सनली क्लासेस लेना चाह रहे हैं सिर्फ फॉर लर्निंग पर्पस, वो मेरे साथ डायरेक्टली भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अभी मैं आपके साथ एक और चीज़ ओपन करने लगा हूँ यहाँ पे, ये CBBI का मॉडल है, ठीक है, हिस्टोरिकल चार्ट है, जिसमें डिफरेंट इंडिकेटर लगा के यहाँ पे शो करवाया गया, लेकिन इसके अकॉर्डिंग अभी तक कोई भी यहाँ पे बियर ट्रेंड नहीं आया, ठीक है, अभी तक इसके अकॉर्डिंग बियर ट्रेंड नहीं, बियर ट्रेंड इसका बाद में बनेगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने पीक क्रिएट किया, उसके बाद मार्केट डाउन जाना स्टार्ट हुई, यहाँ पे इसका जो कॉन्फिडेंस था CBBI का वो था 98 100 100, के बाद मार्केट ने क्रैश करना शुरू किया और मार्केट ऐसे ही डाउन ट्रेंड में चलती हुई नीचे आ गई। ठीक है, जब यहाँ पे आई तो कॉन्फिडेंस कितना था हमारे पास, 4 7, ठीक है, इतना चल रहा था, तो लोगों ने यहाँ से बाय करना शुरू किया और दोबारा से ऊपर जाना BTC शुरू हो गया, और ऑटोमेटिकली BTC ने अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट किया 19 दिसंबर 2017 को, जो के बना 17,776। ठीक है, उसके बाद फिर क्या कि BTC ने बेरिश ट्रेंड स्टार्ट किया और इस तरह BTC नीचे आता आता, अब यहाँ पे देखें ना कि 2017 से लेकर यहाँ तक बियर ट्रेंड चला है, ये चेक कर सकते हैं आप 2019 तक, मतलब कि पूरा 2018 आपका बियर ट्रेंड में गुजरा है। और इसी तरह से यहाँ से अगर मैं बात करूँ आप लोगों के पास, तो यहाँ पे 2013 से लेके ये इसका ऑल टाइम लो बन रहा है, जो कि बने 2015 तक, ठीक है, 2 साल का बियर ट्रेंड चला, उसके बाद मार्केट हल्के से ऊपर गई है। अगर आप लोग मार्केट के अंदर रहना चाहते तो आप लोगों को इसका इलम होना लाजमी है, अगर आप लोगों के पास इसका इलम होगा तो आप लोग कमा पाओगे। जब इस तर्ज में हो, ठीक है, जब ऊपर जाए तो प्रॉफिट हर बंदे को होगा, जिस बंदे ने जो भी सिग्नल दिया, जिस भी टेलीग्राम से आपने सिग्नल उठा लिया, कोई सिग्नल उठाया ना आपने, तुक्के पे भी कोई चीज बाय कर तो प्रॉफिट होगा। जब बियर ट्रेंड चल रहा है ना, फिर टेक्निकल की बात आती है, फिर स्टैकिंग भी आप उन कॉइन में करते जो आपको पता होता है कि 1.5 साल 1.5 साल चलेंगे। ठीक है, आप लोग इस विंटर सीजन को समझो कि विंटर सीजन कम अज कम 1.5 2 साल भी रह सकता है। और उसके साथ साथ अभी जो BTC है इस वक्त है वो 60 ये मैं इसका लास्ट ले जाता हूँ, ऑलमोस्ट है $41,000 पे, और इसका जो CBBI कॉन्फिडेंस लेवल है वो है 46, ठीक है, 46 है। मीन टू से दैट कि इतनी ज़्यादा कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है जितनी लोगों ने यहाँ पे क्रिएट कर दी है, और ये इसने सारे इंडिकेटर लगाए हुए यहाँ पे, उम्मीद काफ़ी है कि इसको ऊपर यहाँ कहीं कहीं ना कहीं से यहाँ पे जाके इसको ब्रेकआउट दे के ऊपर निकल सकता है, और जब 100 पे कॉन्फिडेंस गया तो फिर हम बियर ट्रेंड यहाँ पे प्रिडिक्ट करेंगे। लेकिन आप लोगों ने दोनों सिनेरियो माइंड के अंदर रखने हैं, और प्रॉफिट बनाना है तो विंटर सीजन के अंदर भी प्रॉफिट बनाना है, और जब मार्केट बुल रन में हो फिर भी प्रॉफिट बनाना है, बियर मार्केट में प्रॉफिट बनाना है, उसके लिए आपके पास नॉलेज होना लाजमी है। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करना चाहूंगा, ताकि वीडियो भी ज्यादा लेंथी ना हो, और इस वक्त भी बियर ट्रेंड ही मुझे नजर आ रहा है। आप लोग नजर रखेंगे, जब तक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट नहीं देता आप लोगों ने लॉन्ग के लिए कोई भी एंट्री नहीं खोलनी, और उसके अलावा अगर आप यहाँ पे लॉन्ग के लिए एंट्री नहीं खोलेंगे ना, आपको नीचे और अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। जब और नीचे आएगा तो आप लोग BNB के अंदर लाजमी एंट्री लीजिएगा, BNB को नहीं छोड़ना, KSM को नहीं छोड़ना, डॉट को नहीं छोड़ना, मैटी को नहीं छोड़ना, सुलाना को नहीं छोड़ना, माना को नहीं छोड़ना। ये वो टोकन है जो आपको डिप के अंदर अच्छा प्रॉफिट देंगे, गेमिंग टोकन जो भी आ रहे हैं, प्ले टू अर्न वाले टोकन जो भी आ रहे हैं, NFT पे आप थोड़ी कम तवज्जो दें, मेटावर्स पे थोड़ी ज्यादा दें, W3.0 पे थोड़ी सी ज्यादा तवज्जो दें, फिर आप लोग यहाँ से अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। ठीक है, अब आप लोगों के यूट्यूबर यहाँ पे ये बताएंगे कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है इतनी गई, लेकिन जब तक रिवर्स न ले मार्केट तो आप लोगों की क्लियर एंट्री नहीं बनती। रिवर्सल ले ले मार्केट, रिवर्सल शो करवा दे, फिर आप लोग एंट्री करके उसमें चल सकते हैं। तो जो लोग मार्केट से रिलेटेड अपडेट चाहते हैं, वो लोग टेलीग्राम पे मुझे लाजमी फॉलो करें, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, और उसके साथ साथ ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे लाजमी फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे आप मेरे साथ आके चैट भी कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो की आपको समझ आ चुकी, अगर समझ आ चुकी तो इसको अप्लाई लाजमी कीजिएगा। ये जो वीडियो थी एजुकेशन पर्पज के लिए थी, जहां भी इन्वेस्ट करना जैसे भी करना इट्स अप टू यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपका होस्ट राहुल राजपूत।